सुनाओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अब देखिए 142.12 रुपए का यहाँ पर आपके सामने प्राइस देखने को मिला है। एंड ये अब स्टॉक ना अपर सर्किट पर क्लोजिंग के टाइम देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में ये मूवमेंट और भी बढ़ सकता है, उसके पीछे काफी रीजंस है। बट यहाँ पर जो आईपीओ से होल्ड कर रहे थे लोग, अगर अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं तो आपके सामने क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर आपने नई खरीदारी करी है तो आपके सामने क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ना एक स्ट्रेटजी बनाकर काम करना ही होगा। एंड मार्केट का भी एक जो पिकअप है वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। तो अभी एनालिस्ट लोगों का कहना है, तो टेक्निकल फ्रंट पर अगर आप देखें तो सपोर्ट यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अंदर 133 से 137 रुपए की रेंज में देखने को मिलता है। यानी कि अगर यहाँ से गिरता भी है एनटीपीसी तो 133 से 137 के रेंज में किसी भी लेवल से ये अपना सपोर्ट बनाकर वापस से हायर साइड घूम सकता है। एंड यहाँ पर आपके सामने 150 से 160 रुपए के जोन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड वहाँ पर ये कैप्ड हो सकता है, उसके बाद शायद आपको कोई एक बड़ी तेजी देखने को ना मिले। बट ऐसा नहीं है, पॉसिबल है कि ये इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन अभी आपको जो है ना जो टेक्निकल सपोर्ट बताए जा रहे हैं वो यहाँ पर ध्यान रखने हैं। 133 रुपए आपके सामने एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर आपको स्टॉप लॉस मैनेज करने हैं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो भी यहाँ पर मन हो उस तरीके से करिएगा। सो एनटीपीसी का जब आईपीओ आ रहा था एंड उसके बीच में मैंने आपसे कहा था कि लिस्टिंग कैसी होने वाली, अनुमान लगा के चल रहे थे कि हाईएस्ट आईडी ओपनिंग होगी, 10% तो आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है। ये आजकल का ना बिहेव हो गया। आईपीओ में भले ही आपको जो है ना सब्सक्रिप्शन ना देखने को मिले, बट आपको ना मार्केट में लिस्टिंग के बाद रिटर्न मिल ही जाना है, 10% एकदम से तेजी आई जाती है। अब लोग ना वेट करते हैं कि आईपीओ में सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हम मार्केट के अंदर ही इसको बाई करेंगे जब लिस्टिंग होगी, तो उसके बाद एकदम से जो है ना वो तेजी देखने को मिलती है। काफ़ी सारे आईपीओ के अंदर हमें देखने को मिल चुका है, एक शायद एक ये एक थॉट प्रोसेस हो चुका है, तो लेकिन उसको छोड़ दें। बट यहाँ पर आपके सामने रिटर्न बना एंड उसके बाद एक अनुमान था कि ये इसको खींच करना 150 रुपये तक ले जाएंगे, जैसा कि ओला इलेक्ट्रिक के अंदर हुआ, 74 रुपये से सीधा 157 ले गए। हालांकि उसके बाद गिरावट भी हमें फेस करनी पड़ी, वो भी आएगी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अंदर, वो आएगी लेकिन उसका समय कुछ और होगा। एंड ऐसे बहुत सारे नाम है आपके सामने, बजाज हाउसिंग फाइनेंस देख लीजिए और उससे बढ़कर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनाए, लोग लिस्टिंग के बाद उसको खरीदते हैं, खींच कर ले जाते हैं हायर साइड पर छोड़ देते हैं। बट यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, उसके हाथ क्या लगता है ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपने जो है वो आईपीओ से होल्ड कर रखा है तो आपने कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है, 2 साल 3 साल 4 साल, तो वो आपके हाथ में क्या लगना है, क्या आपको जो हायर लेवल मिल रहे हैं क्या लॉन्ग टर्म ना सोचकर वो वहां पर बुक कर लेना चाहिए, ये भी कभी कभार सोच लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ना मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक या कह सकते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आज की डेट में 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करती है। एंड ऐसे में अपर सर्किट पर चले जाना ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी स्टॉक के लिए। मोस्टली यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक जो है ना अपर सर्किट पर रह ही नहीं पाते, जो 1,00,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप होल्ड करते हैं, अपर सर्किट ना वहाँ पर आप होल्ड करके नहीं जा सकते आगे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एनटीपीसी करके दिखा रहा है, उसके पीछे का रीज़न समझते हैं। मोस्ट ऑफ द पीएसयू स्टॉक्स के अंदर तेजी क्यों हुई, आज से अगर आप देखेंगे 1 जनवरी से आपका जो है इलेक्शन के बीच 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 भी है, तो आपके यहाँ पर ना पीएसयूज 10 गुना हो गए, कोई 15 गुना हो गया, क्यों हो गया, वो उसका सबसे बड़ा रीज़न था ना यहाँ पर आपके सामने नंबर ऑफ शेयर्स कम होना। ऑलमोस्ट प्रमोटर यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कह सकते हैं एनटीपीसी 89.01% होल्ड कर रहे हैं, 11% बचा हुआ है, उसमें आपका ना FIIs, DIIs एंड रिटेल इन्वेस्टर आ जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बचे नहीं है मार्केट के अंदर, यानी कि कम लिक्विडिटी में भी ये स्टॉक दौड़ा जा सकता है। जिस तरीके से बहुत सारे PSUs दौड़े हैं ना, लगातार दौड़ रहे हैं, वो इसीलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम है एंड बाइंग इतनी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो एक स्पाइक पर स्पाइक आया जा रहा है। यही चीज़ ना एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी हो रहा है एंड इसीलिए आज ये अपर सर्किट पर भी जा रहा है। एंड हो सकता है कि इसको यहाँ पर ना इसी बदौलत एक एडवांटेज मिले एंड यहाँ पर आपके सामने और भी ज़्यादा हाइयर साइड के लेवल देखने को मिले। अब हाइयर साइड में लेवल यहाँ पर हो सकता है वो 200 रुपये हो, 220 हो, ये पॉसिबिलिटी बनती है। बट एक एग्जैक्ट पता करें तो कैसे कर सकते हैं, तो ये तो आपके सामने हो गया थोड़ी सी बात जो कि यहाँ पर टेक्निकल बेसिस पर आ जाती है। फंडामेंटल बेसिस पर बात करते हैं जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म निवेशक ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक के हाथ में ना लगता कुछ नहीं है अगर ऐसे स्पाइक्स आते हैं। फंडामेंटल बेसिस पर अगर कोई स्टॉक रन नहीं करता है, लॉन्ग टर्म निवेशक यहाँ पर बन जाते हैं बेवकूफ़, एक्चुअल बात है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की तेजी ना लॉन्ग टर्म में बरकरार रहती नहीं है। स्टॉक 50-60% चल जाता है एंड उसके बाद यहाँ पर एट द ईयर की डेट, मतलब आप देखेंगे एक साल के भीतर भीतर जब देखते हैं तो
तो वो 50% का रिटर्न सिर्फ रह जाता है 15%, 10%, 7% का, एंड वही पूरे साल में रिटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म निवेशक कमा पाता है। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली दौड़ता है 50%, तो वो यहाँ पर 50% अपना रिटर्न जो है वो कैरी करके ले जाता है नेक्स्ट ईयर लॉन्ग टर्म निवेशक। यहाँ पर जो तेजी हो रही है फंडामेंटल बेसिस पर तेजी नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस बेसिस पर हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है बॉस। पी रेशियो आप देखिए, आप देखिएगा अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो ये बहुत ही हाई देखने को मिलते हैं। आपके फाइनेंशियल कुछ और है, आपका पी कुछ और है, आपका प्राइस टू बुक वैल्यू कुछ और है। इन शॉर्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा कॉम्पिटिशन जो है वो अडानी ग्रीन को दे रहा है। हमें अडानी ग्रीन के बराबर पहुंचना है, और अगर वाकई में ऐसा होता है तो ये स्टॉक रुकेगा नहीं, ये स्टॉक चलते ही जाएगा। क्योंकि मार्केट को हम ना समझ सकते हैं लेकिन हम बिल्कुल पूरी तरीके से जान नहीं सकते। मार्केट किससे पूछने जाएंगे क्या सोचकर तुम कर रहे हो, या क्या एक टारगेट रखे हुए हो एनटीपीसी का, किससे पूछने जाओगे, कौन सा यहाँ पर मतलब मार्केट को मतलब ये किधर किधर ढूंढेंगे हम उस चीज़ को। तो ये बात है, मार्केट को समझा जा सकता है लेकिन आप सोचें कि पूरी तरीके से आप जो है उसको एनालाइज कर लें, ये कम्प्लीटली हो ही नहीं सकता। आपको चीप वैल्यूशन पर तो आया नहीं था एनटीपीसी। अगर इरेडा जैसी वैल्यू पर आता तो हम कह भी सकते थे ये तो रुकेगा ही नहीं, बिकॉज इरेडा आया था 8,000 करोड़ के मार्केट कैप पर, एनटीपीसी आया था 94,000 करोड़ के मार्केट कैप पर, एंड उसके बाद आपको रिटर्न मिल रहा है। तो वो बात ना इरेडा की अलग हो जाती, एनटीपीसी की बिल्कुल अलग हो जाती। यहाँ पर अगर आप देखोगे अडानी ग्रीन का जो मार्केट कैप है वो 2,10,000 करोड़ का है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आज की डेट में पहुंच चुका है 1,20,000 करोड़, यानी मोटा मोटा यहाँ पर आपके सामने 80,000 करोड़ का मार्केट कैप का अंतर है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर यहाँ से चलना होगा कम से कम 60% का स्पाइक जो है वो आपको प्राइसेस में देखने को मिल जाए, तभी आप जो है अडानी ग्रीन एनर्जी के मार्केट कैप के बराबर पहुंच पाएंगे। 60% का स्पाइक क्या इस स्टॉक के अंदर आ सकता है? ऑलमोस्ट आप बात कर लो 210-215 के आसपास की, इतना बड़ा यहाँ पर जो है ना आपके सामने अपसाइड यहाँ पर देखने को मिलेगा, तब जाकर आप जो है अडानी ग्रीन के पास पहुँचेंगे। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, बट क्या उसके लिए आप इंतज़ार करते रहेंगे? बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर आप देखें दोनों ही स्टॉक हाई वैल्यू पर चल रहे हैं, टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे पता नहीं, ठीक है ना। तो ये बात सिंपल सी है कि आप जो IPO में होल्ड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आपने अभी तक बुक नहीं किया है शायद 50% आपको बुक कर लेना चाहिए। कल अगर 150 का लेवल देखे वो फिर ना आप कुछ भी सोचिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 50% बुक कर लेना चाहिए। 50% आप होल्ड करो ज़्यादा बेहतर है, फिर चाहे वो 200, 210, 220, 225, 230 किधर के भी टारगेट आपको मिले आपको टेंशन नहीं होगी। क्योंकि आप जो बेच रहे हैं ना, जो प्राइस पर बेच रहे हैं वो आप बेच रहे हो 1,20,000 करोड़ के मार्केट कैप पर, समझ रहे हो ना। यहाँ से 10,00,000 करोड़ का मार्केट कैप नहीं होना है, बिकॉज ऑफ NTPC लिमिटेड का मार्केट कैप 3,00,000 करोड़ का है। होना होता तो NTPC लिमिटेड का यहाँ पर ना 10,00,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाता, नहीं है ना। उसकी अर्निंग को यहाँ पर ना 10 साल तक ये छू भी नहीं पाएंगे। उसकी अर्निंग की बात करूँ, NTPC की अर्निंग्स की बात करूँ, 10 साल तक ये कंपनी छू नहीं पाएगी। देखिए पी रेशियो दोनों के ही हाई है, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको रिटर्न मिल रहा है, आप उस मौके का बेनिफिट उठाइए। कहीं ना कहीं आपको 50% आपको बुक कर लेना चाहिए, आज नहीं तो कल की डेट में, बट कर लेना चाहिए। ये मानकर कि हाँ भैया यहाँ पर ना मैंने बहुत मतलब एक ना ठीक ठाक तरीके से कमा लिया, तो वो 50% अगर बुक करेंगे ना मेरे ख्याल से वो आपको ज़्यादा यहाँ पर ना वैल्यूएबल रखेगा। वो 50% आपका जो बचा हुआ है ना, फिर 220 आए कुछ भी आए डजेंट मैटर, आएगा तो ठीक है नहीं आएगा तो ठीक है। एंड होता क्या है ना इन लास्ट कि ये सारी चीज़ें बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हो गई, ओला के अंदर हो गई, ये हाइयर साइड ले जाकर ना वहीं पर अपना जो है ना बिकवाली कर ले। क्या लगता है कि आप ही अकेले घुसे हुए हैं क्या इस स्टॉक के अंदर? कोई घुसा है नहीं, तो वो आप समझिए कि ये ना शॉर्ट टर्म के लिए ना बहुत सारे लोग उतारू हो जाते हैं एंड वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। अब वो मौके का फ़ायदा ये है या नहीं है ये डजेंट मैटर, बट हमें अपना फ़ायदा देखना है। तो मेरे ख्याल से अगर आप सही समझें 150 के भाव अगर कल दिख जाए बुक कर लीजिए अपना, ज़्यादा बेहतर है। 50% आप होल्ड करिए। अगर आपने यहाँ पर 50% IPO के डे पर ही बुक कर लिया है, 50% अपने IPO का 50% बुक कर लिया है, 50% आप रिवेन होल्ड कर रहे हैं, तो आप होल्ड करिए फिर, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, लेकिन जिसने भी नहीं किया वो देखें। जो बाई करके बैठा भाई आपको ना SL की नीड है, आप स्टॉप लॉस लेकर चलिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। एंड NTPC का जो रियलिस्टिक यहाँ पर जो है आप देखेंगे, जब तक ये टिका हुआ है यहाँ पर आपका
ये आपके लमसम लमसम रहा होगा 125, 124, ये सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी का ये आपके सामने देखने को मिलेगा। तो अब आप तैयार रहिए, कहीं ना कहीं अपना एक थोड़ा सा बढ़िया स्पाइक आपको शायद देखने को मिले NTPC के अंदर, नहीं देखने को मिलेगा डजेंट मैटर, बट आपको कहीं ना कहीं 150 के आसपास 50% बुक कर लेना चाहिए, जैसा आपको ठीक लगे। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आपके सामने एक अच्छी खासी तेज़ी हो चुकी है, और तेज़ी हो सकती है अडानी ग्रीन के कंपैरिजन। अगर आपको पहुँचना है तो यहाँ पर 60-70% का अपसाइड यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकता है, बट ये होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है, बट अपनी सेफ्टी अपने हाथ में 50% कहीं ना कहीं बुक कर लेना चाहिए 150 के भाव के आसपास। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे बड़ी देखने के लिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।